जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने वाले सोहना निवासी अभिषेक नामक छात्र पर रात करीब 10:30 बजे यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस समय हमला बोल दिया, जब वह अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ ग्लोबल हाई सोसाइटी में खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। तभी वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दूसरे समुदाय का छात्र बरखत खान अपने अन्य 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 छात्रों के साथ आया और कहने लगा कि तू यूनिवर्सिटी का दादा है क्या, और वहां से एक ईंट उठाकर मार दी, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। जिन्होंने यूनिवर्सिटी के समीप गांव धुनीला से अपने अन्य दोस्तों को फोन करके वहां पर बुला लिया, जिन्होंने अभिषेक व उसके दोस्तों के साथ जमकर मारपीट की। अभिषेक अपनी जान बचाते हुए कार को लेकर के वहां से सोहना अस्पताल के लिए आने लगा, तो आरोपियों ने सोहना की चुंगी नंबर 1 के पास कार को पीछे से टक्कर मारकर कार को पलट दिया। घायल छात्र को कार से निकालने के बाद सोहना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर छात्र का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। मामले की शिकायत भोंडसी थाना पुलिस को दी गई है। इस मामले में भोंडसी थाना पुलिस ने 3 नामजद छात्रों सहित विभिन्न आपराधिक मारपीट की धाराओं सहित मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। आपको बता दें कि सोहना के नजदीक बने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में आए रोज इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। सूत्रों की माने तो उक्त छात्रों की आपसी कहासुनी एक छात्रा को लेकर करीब 8 महीने पहले भी हुई थी। तभी से छात्रों की रंजिश चली आ रही थी, लेकिन देखना इस बात का होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है, ताकि आगे से इस तरह की वारदातों पर पाबंदी लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, वरदान सोहना, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।